सो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? एंड आई होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया हो गए। और जैसे कि तुमको पता ही है यार, CISE बोर्ड ने अपना रात के बम फोड़ दिया है, ठीक है। एज यूजुअल उन्होंने जो ना एकदम से बहुत ही एक सडन धमाका किया है, जिसमें दे हैव अनाउंस्ड ऑन 16th of July दैट द रिजल्ट फॉर ISC एंड लाइक ICSE 2022 वुड बी कमिंग ऑन 17th of July 5 PM स्पेसिफिकली। मतलब कि यानी तुमको जो ना 24 घंटे से भी कम का समय मिला है जस्ट टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर ISC 2022 सेमेस्टर 2 रिजल्ट्स, ठीक है। अब आई नो यार बड़ी चीज़ है, लेकिन देखो एक चीज़ समझ लो, आज नहीं तो बाद में रिजल्ट आना था। जितना डिले होता उतना ज़्यादा सस्पेंस बनता, जितना सस्पेंस बनता जाता उतना ही ज़्यादा जो ना तुम उसको लेकर के और ज़्यादा डरते जाते। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है कि रिजल्ट जो ना कल तुम्हारा आने वाला। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अबाउट दैट सर्कुलर, जो कि अभी CISE की वेबसाइट पे तुमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम अभी वेबसाइट पे जाते हो यू विल सी दैट वहाँ पर जो ना कोई भी कंटेंट तुमको ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है। वहाँ पर जो ना उनका रिजल्ट्स वाला पोर्टल इज लाइक ऑन नाउ, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दैट सर्कुलर के उसमें क्या क्या चीज़ें मैंशनड थी, ठीक है। सबसे पहले यार मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, तुम्हारा जो रिजल्ट है, ठीक है, वो कल आना है ऑन 17th of July 5 PM, ठीक है। 5 बजे के बाद से तुम जो ना अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हो, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। जितना भी सस्पेंस है उसको बनाए रखना, बरकरार रखना, ठीक है। उसके बाद में द सेकेंड थिंग इज, अभी तुम ये सोच रहोगे कि भैया ये जो ना हमारे पूरे अकेडमिक ईयर का रिजल्ट आना है या फिर सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आना है। सो नाउ दिस इज अ रिजल्ट फॉर योर अकेडमिक ईयर, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि इसके सेमेस्टर 2 के रिजल्ट के बाद में दे वुड बी प्रोड्यूसिंग अनदर रिजल्ट जो कि तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, जिसमें मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, क्लियरली मैंशनड है कि जिसमें तुम्हारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का इक्वल वेटेज है, और उसके साथ साथ तुम्हारे जो इंटरनल मार्क्स हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, वो भी जोड़ दिए गए। तो तुम्हारे 40 मार्क्स फ्रॉम द सेमेस्टर 1, 40 मार्क्स फ्रॉम सेमेस्टर 2 एंड 20 मार्क्स फ्रॉम द इंटरनल्स आर एडेड, और जो तुम्हारा पूरा रिजल्ट आना है वो आउट ऑफ 100 प्रोड्यूस किया जाने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ जो जैसे कि मैंने क्लियरली बोली कि भाई साहब आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का इक्वल वेटेज है, ऐसा नहीं है सेमेस्टर 1 लाइक इज प्रिवेलिंग और सेमेस्टर 2 इज लाइक उसका कम वेटेज है, ऐसा कुछ हो, ठीक है, या फिर सेमेस्टर 2 का ज़्यादा हो सेमेस्टर 1 का कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वल वेटेज है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इनका जो ना इक्वल वेटेज टोटली चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा जो ना जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें इक्वल वेटेज दिया जा रहा होगा इन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ और बोली गई है कि अभी लाइक यहाँ पर जो ना लाइक बेसिकली कोई भी बेस्ट ऑफ 5 वाली चीज़ जो ना मैंशनड नहीं है, ठीक है। ये भी तुम समझ लो, ऐसा कोई बेस्ट ऑफ 5 मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इट्स लाइक प्रिटी क्लियर कि अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट जो ना बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट में ही रहेगा। इवन दो इन्होंने क्या कर रखा है कि जो तुम्हारा लाइक देखो एक चीज़ तो इधर पे है, ऐसा तुम सोच रहे हो कि फिजिक्स का अलग ही रिजल्ट आएगा, पिछली बार तक साइंस होता था लेकिन अब फिजिक्स इज अ लाइक एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पैटर्न सेम ही है, 6 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, साइंस, SST, कंप्यूटर्स, मैथ्स, ठीक है, कंप्यूटर्स इज द ऑप्शनल वन, उसके अलावा जो ना इकोनॉमिक्स, कमर्शियल कुछ भी हो सकता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स जो कि हैं तुम्हारे साइंस, SST, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड देन ऑप्शनल में तुम्हारा कंप्यूटर्स, वही सेम फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है। वही साइंस में तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही सब जो है ना प्रॉपरली चल रहा है। इस बार भी वही होगा, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 अभी तक कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया, बेस्ट ऑफ 4 या फिर बेस्ट ऑफ 5। उसके साथ साथ जिसकी एक बहुत ज़्यादा अर्ज थी और लाइक एक डिमांड थी कि हमारे जो ना बेस्ट ऑफ द टर्म्स के मार्क्स को लिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। CISE ने जो ना इसी चीज़ को टोटली निगलेक्ट कर दिया है। उसके साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, वो ये है कि भाई साहब आपका जो भी रिजल्ट है, ठीक है, वो लाइक उसमें अगर रीचेकिंग करानी हो तो क्या सीन है। तो देखो यार, रीचेकिंग अवेलेबल रहेगी लेकिन सिर्फ सेमेस्टर 2 के पेपर के लिए, क्योंकि सेमेस्टर 1 की रीचेकिंग इज लाइक ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर से जो ना रीचेकिंग होगी, 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर पेपर लग रहा होगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के हर एक पेपर का 1000 रुपीज़ लगेगा एक बार रीचेक कराने का सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो रिजल्ट है यार, ये तुम्हारा अवेलेबल कराया जाएगा ऑन टू दी कैरियर लाइक कैरियर्स पोर्टल ऑफ CISE वेबसाइट, एंड प्लस यहाँ से तुम SMS भी भेज सकते हो, उसके जो ना पूरे इंस्ट्रक्शंस लाइक बेसिकली तुमको सर्कुलर में दिए गए थे उधर से चेकआउट कर सकते हो, लाइक SMS भी सेंड करा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, जो भी मेथड के थ्रू करना हो, ठीक है, ये लाइक प्रॉपरली तुम्हारे हाथ में है, तुमको जो भी करना हो तुम कर सकते हो, बट बेटर वुड बी दैट कि वेबसाइट के थ्रू चेक करना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। एंड आई होप सो यार तुम डरे हुए नहीं होगे बिल्कुल भी, एंड इसमें कोई डरने वाली बात फर्स्ट ऑफ ऑल है भी नहीं, इट्स ऑल गुड, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चिल रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड अब रखते हैं इस वाले वीडियो में यार, इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।